हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9। लेसन चला था अपना फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और उसी लेसन में कंटिन्यूसली अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड बात की थी, जहां अपन ने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। उससे रिलेटेड आगे जस्ट कंटिन्यूस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है अपने पास, वो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। टॉपिक कौन सा है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मींस जो आपने स्टेट पढ़ी है, दैट मींस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, इनका आपस में जो है इंटरकन्वर्जेशन होता है क्या? इफ सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यहां क्वेश्चन मार्क आएगा, हो सके या नहीं हो सकता। देन लिक्विड स्टेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, और इनके बीच में क्या डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से सॉरी गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है? ये सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है और नॉट, इससे रिलेटेड अपन आज टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द वाटर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इन थ्री स्टेट, है ना। तीनों स्टेट में जो मैटर की तीनों स्टेट है, उन तीनों स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है सर। कैसे देखेंगे अपन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट वाटर एज ए सॉलिड विच दैट इज आइस, है ना। आइस के फॉर्म में वाटर जो है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। सेकेंड अपन बात करेंगे, देखिएगा वाटर लिक्विड स्टेट में एज ए वाटर, लिक्विड स्टेट में जो अपन यूज कर रहे हैं एज ए वाटर। एंड वी डिस्कस अबाउट द फाइनल है द गैसियस स्टेट। गैसेस स्टेट की बात करें तो देखिए गैसेस स्टेट में क्या है? वाटर वेपर जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। इट मींस वी कैन से दैट द वाटर प्रेजेंट इन थ्री स्टेट अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, है ना। तो देखेंगे अपन ने यहां लिखा, वी ऑल नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट विच फर्स्ट सॉलिड एज ए आइस, सेकेंड लिक्विड एज ए वाटर एंड गैसेज एज ए वाटर पेपर, ठीक है। बट दिस इज नॉट अवर टॉपिक। टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। तो ऐसे कौन से ऐसे इफेक्ट अप्लाई किए जाए जिससे मैटर की जो स्टेटस है वो क्या कर सके? कन्वर्ट हो सके, चेंज हो सके। तो देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली दो ऐसे फैक्टर है, दो ऐसे इफेक्ट है जिनको एप्लीकेबल करने से हमें क्या होगा कि हमारे जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो जाए, है ना। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर, ठीक है ना। इन दोनों पे अपन जो है वो प्योरली डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर। दैट मीन्स ऐसा कौन सा चेंजेस करे टेंपरेचर में कि सर स्टेट में चेंज आए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमने क्या किया, आइस ली, ठीक है सर। आइस को एक देखो, एक पहले प्रैक्टिकली बेस करते हैं, देन आफ्टर थ्योरी की डिस्कशन करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस लिया आपने, आइस को एक बीकर में पुट कर लिया, एक बीकर में रखा आपने, देन आफ्टर उसमें एक थर्मामीटर क्या कर लिया, अटैच कर लिया, ताकि आप लोगों को टेम्परेचर में क्या होता है इफेक्ट का पता चलेगा, ओके। देन आफ्टर आपने क्या किया, बर्नर ऑन कर दिया। नीचे से एक बर्नर, देखिए इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। यहां पर स्टैंड लगा दिया, देन आफ्टर बीकर, ओके। इस बीकर में आप लोगों ने क्या कर लिया, दैट इज अ थर्मामीटर, दैट इज आइस, ओके। देन यहां से बर्नर ऑन किया, ओके। जैसे ही आपने इसको हीट दी, हीट यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाई हीट की फॉर्म में, यानी आपने इसको गर्म किया, है ना। हीट जैसे ही प्रोवाइड करवाते हैं तो होता क्या है कि सर ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप लोगों ने देखा होगा सर, ऐसा क्यों?
आपने हीट दी और आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, इसका क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ, देखिएगा एक्चुअली क्या होता है कि सर ये आपके पार्टिकल्स है किसके, सॉलिड के, है ना, क्लोजर अपन लोगों ने स्टेट की बात की इस तरीके, आपने जैसे ही हीट प्रोवाइड की यानी एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, एनर्जी किसमें दी, तो इनकी इन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है हीट के थ्रू, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है हीट प्रोवाइड करवाने से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक हो जाएगा, दैट मींस ब्रेक होने की स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे ये वीक होगा तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल की जैसे ही इंक्रीज होती है इन पार्टिकल्स में क्या बढ़ जाता है? मूवमेंट बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ, देखिए ये पार्टिकल्स है एकदम बंधे हुए, आपने इनको क्या कर लिया, हीट दी, हीट देते ही इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो खुलेगा, खुलते ही क्या होगा ये भागने लगेंगे, दैट मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये रनिंग करेंगे, भागेंगे। तो जैसे पार्टिकल्स भागते हैं इन पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो गैप इंक्रीज हो जाता है और इन्हीं गैप इंक्रीज होने से पार्टिकल के बीच में स्पेस आ जाने से इनकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और ये सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? आपने एनर्जी दी किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, यानी टेम्परेचर बढ़ाया, ये आपने को यहां थर्मामीटर से इंडिकेट होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है हीट इसको क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। देन आफ्टर इनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा और मूवमेंट बढ़ते इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा और उसी से इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये फैक्टर, ठीक है सर। अब इस प्रोसेसिंग को जो है वो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, है ना। एट सर्टेन टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इंटू लिक्विड स्टेट। At fixed temperature, at certain temperature, solid state converted into liquid state, that process called melting, and that temperature called melting point. हमने क्या कहा सर, इस प्रोसेसिंग को क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे, एंड देन टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ रही बात? Now we start, देखो इसी melting point को एक और word से use किया जाता है, that's called fusion. फ्यूजन क्या है? फ्यूजन भी ये स्टेट है कि सर फ्यूजन मींस सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। एक अदर अनदर वर्ड से यूज किया जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग। अगर आप लोगों को अगर कभी पूछ ले कि मेल्टिंग क्या है, ठीक है सर, तो वहां पर बात करेंगे। दैट मींस एट फिक्स एट सर्टेन टेम्परेचर अ सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग, एंड This temperature is called melting point, यानी ऐसा point जहां पर क्या होगा कि सर solid liquid में convert हो जाएगा। अब देखिए water का melting point कितना होगा, 273.15 Kelvin, कितना होता है 273.15 Kelvin, that is the melting point of water। उसी processing को एक another word में क्या कहा जाता है, फ्यूजन। क्या कहा जाता है? फ्यूजन। फ्यूजन मीन सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन, है ना। चलिए एक छोटी सी और बात करेंगे, देन आफ्टर अपन आगे और डिस्कशन करेंगे। आप जैसे ही टेम्परेचर यानी स्टेट में चेंजेस होता है, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दो, हीट प्रोवाइड करवा दो, बट एट मेल्टिंग पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि स्टेट में जो चेंजेस होता है उस स्टेट के चेंजेस में जो है वो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता। आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, मेल्ट हो रहा है, बट नो चेंजेस इन टेम्परेचर। दैट मींस आपने हीट दी तो वो हीट गई का, हीट जो दी ये क्वेश्चन आ रहा था, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होता। इट मींस वो हीट जो आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो वो हीट कहां गई, हीट पता नहीं आप लोगों को वो कहां चली गई, है ना। तो इस हीट के जो है वो गायब हो जाने को, है ना, इनविजिबल हो जाने को हिडन हीट या लेटेंट हीट कहते हैं, हिडन हीट। के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सर उस हीट को कैसे दिखा जाए, डेफिनेशन क्या दी जाए, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या हिडन हीट, ठीक है सर।
यही अपना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हिडन हीट के बारे में, और उसके बाद अपन बात करेंगे लिक्विड टू वाटर वेपर में कन्वर्ट। अभी अपन ने क्या किया, सॉलिड टू लिक्विड की बात की, एंड लिक्विड टू वाटर वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वेपराइजेशन जिसको बोलते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको रीजन में लिखिएगा जितने में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की ट्राई कीजिएगा और लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे वेपराइजेशन एंड लेगेंड के साथ। थैंक यू।